कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें हम कैसे ग्रुप्ड एंड और अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा में परिवर्तित करते हैं, उसमें जैसा कि बताया गया था कि पांच चरण होते हैं। पहले सबसे पहले जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित होता है तो अव्यवस्थित क्रम से उसको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लाते हैं। व्यवस्थित क्रम के लिए हमने क्या बताया था, आरोही और अवरोही। चाहे इसको आरोही क्रम में सजा लें या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में उसको सजाना होता था। आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अवरोही क्रम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले जो सबसे जितना भी जो प्राप्तांक डाटा दिए हैं उसमें जो सबसे बड़ा डाटा है, फिर उससे छोटे डाटा, फिर उससे छोटे डाटा, फिर उससे छोटे डाटा, इस तरीके से करते हुए हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ये तो अवरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम में भी होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं, जितने भी जो भी प्रदत्त डाटा हमारे सामने हैं उन डाटाज में देखेंगे जो सबसे कम होगा, जो सबसे छोटा डाटा होगा उसको पहले रखेंगे, फिर उससे बड़े को उसके बाद में, फिर उससे बड़े उससे बाद में, इस तरीके से हम उसको रीअरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से करने के पश्चात जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी जो हमारे पास अव्यवस्थित डाटा है उसको व्यवस्थित डाटा में जब हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हमने प्रसार निकालने के लिए क्या बताया था कि जो अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने कर लिया है तो उसमें आपको पता हो गया कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है और सबसे लोएस्ट स्कोर कितना है। तो अब इसकी सहायता से रेंज निकालने का जो फार्मूला होता है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस वन, इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से हाईएस्ट स्कोर उसमें देख करके लोएस्ट स्कोर में से माइनस करके और उसमें जितना आएगा मान एक जोड़ देते हैं। फिर जो रेंज आ गई हमारी, प्रसार आ गई, जिसकी सहायता से हम जो भी डाटा हमारे पास है उसमें कितने वर्ग बनेंगे उनको हम देख लेते हैं। अब जो वर्ग बनेंगे उन वर्गों को ऐसा इस तरीके से करेंगे कि ना तो बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, बीच में पांच से सात या दस वर्ग बने हमारे, और जितने भी वर्ग हों उनमें सब में वर्ग अंतराल भी समान होने चाहिए। भले ही उसके बीच में कोई डाटा नहीं है लेकिन वो आपके वर्ग बनने चाहिए। जैसे 50 बच्चों का डाटा आपके सामने है, मान लीजिए इसकी रेंज कितनी आ गई, उसकी रेंज आ गई 37। तो 37 आ गई तो इसको एक, अब 37 तो सम है नहीं तो इसको सम में कर लेते हैं, तो कम नहीं होना चाहिए हमने कहा, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो 38 भी सम है, 39 भी कम सम है, 40। तो 40 हम करेंगे तो इसमें कई का गुणांक, 4 का भी गुणांक हो जाएगा, 5 का भी गुणांक हो जाएगा और 10 का भी गुणांक हो जाएगा, 20 का भी गुणांक हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 4 के अंतर रखते हैं तो 4 × 40 10 वर्ग हमारे बनेंगे, 5 रखते हैं तो 8 बनेगा और 10 रखते हैं तो 4 बनेगा, 20 रखेंगे तो 2 बनेगा। जैसा कि हमने शुरू में बताया, उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको इतने ही क्रम में या इतना ही होना चाहिए, नहीं बताया कि उसको सरलता की दृष्टि से या सरल बन सके इसके लिए ना बहुत छोटा रखिए ना बहुत बड़ा रखिए। तो बहुत बड़ा रखेंगे तो 10 ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको 5 से डिवाइड करके 8 वर्ग अंतराल बना लीजिए, 5 × 40। तो ये ना बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा, इस तरीके से रख करके उसमें हम अंतर भी रख लेंगे। अंतर जिस तरीके से आपके वर्ग अंतराल हैं इस तरीके से अंतर शुरू करेंगे, जहाँ से शुरू है और जहाँ लास्ट है, कि दोनों डाटा उसमें समाहित हो जाएं, ठीक है। जैसे सबसे लोएस्ट डाटा उसमें आपका कितना है, 8 है, 8 है, तो अब 8 से थोड़ा सा और नीचे लाएंगे उसको 5 कर लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 से 9, 5 से 9 कर लीजिए, फिर 10 से 14 कर लीजिए, 15 से 19 कर लीजिए, 20 से 24 कर लीजिए, 25 से 30 29 कर लीजिए,
30 से 34 कर लीजिए, इस तरीके से 8 डाटा बन जाए। अब आप उसमें देखेंगे कि उस डाटा में कितने ऊपर से आप देख लेंगे। आप एक्सक्लूसिव श्रेणी हमने तीन बताया, श्रेणी भी तीन प्रकार से बनते हैं, इसमें समावेशी श्रेणी, निरावेशी श्रेणी और वास्तविक श्रेणी, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और रियल श्रेणी। इन तीनों में से कोई भी श्रेणी आप ले सकते हैं, जिसमें हमने सबसे अच्छा बताया कि समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव श्रेणी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें आप उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के बीच के डाटा उसमें रखते हैं। तो इस तरीके से आप उसको सीरियल लगा करके और सारे डाटा को आप लिख लेंगे, तो उसी सारी हर वर्ग अंतराल की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, इस वर्ग अंतराल के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरीके से आपका वर्ग बन गया। तो हमने अगर इसको एक क्रम में सजाना चाहें, एक पॉइंट में चाहें, तो कैसे करेंगे? जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है उसको ग्रुप डाटा में बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जब वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया क्या करते हैं, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस वन, इसकी सहायता उसकी रेंज निकाल लेंगे। जब रेंज आ जाएगा तो हम उसको उसको वर्ग में विभाजित कर लेंगे। आप के लिए 5 वर्ग, 10 वर्ग, 8 वर्ग, हमने बताया कि ये सारे तरीके हैं। अब उसमें से आप ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करेंगे जो कि उस डाटा के बीच में समाहित हो सके। तो इस तरीके से कर लेंगे तो आपका ये जो अनग्रुप डाटा आपके सामने था वो ग्रुप डाटा में परिवर्तित हो गया और एक व्यवस्थित हो गया, छोटा भी हो गया। उससे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलने में आसानी होगी और सरल है, बोधगम्य है, देखने में आकर्षक भी है। तो इस तरीके से हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में परिवर्तित कर लेते हैं। अब बात आती है अनग्रुप डाटा को जब ग्रुप डाटा में आप परिवर्तित कर लिए, तो इसको और बोधगम्य और सरल बनाने के लिए हम इसको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का क्या फायदा होता है कि इसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो तो समझते ही समझते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं अशिक्षित व्यक्ति भी उसको देख करके समझ सकता है और सरल होता है, आकर्षक भी लगता है, इसलिए उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका आरेखीय निरूपण करते हैं। इस तरीके से हम आरेखीय निरूपण भी उसका कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि आपका आरेखीय निरूपण कैसे करेंगे, उसमें आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में आपके यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं सिलेबस में आपके यहाँ 5 ही है, तो उन 5 पे ही चर्चा होगी, उन 5 के ही बारे में बताएंगे, जिसमें आपका क्या है, आपका है ये है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। कैसे हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का वर्गीकरण करें, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसका किसका करना है, कौन कौन सी चित्र निरूपण करना है, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और पाई चार्ट, ओगिव, है ना। तो इतना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम के बारे में देख लीजिए। अब आपको आ गया, जैसा कि हमने बताया था कि आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पश्चात आप उसका ग्राफी निरूपण करेंगे। तो उसके लिए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम के लिए हमने सबसे पहले बताया कि उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, कोई भी डाटा आपके पास दिया होगा और उस डाटा की सहायता से आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं कि जो जैसे जो साधारण लोग हैं या जो इसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको हम और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए तथा अधिक समय तक वह स्मरणीय रहे, याद रहे, इसके द्वारा हम उसको आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं,
रेखा चित्र के रूप में इसको निरूपित करते हैं। तो इसको निरूपित करने का बहुत सारा तरीका है। अब बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, जैसे आकर्षक लगता है देखने में, बोधगम्य है, आसानी से समझ में आ जाता है, देखने से ही आराम से समझ में कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। और इसके अलावा आपका तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक करता है। जो तुलना अगर करना है डाटाओं का, प्रदत्तों का, तो उसमें कि कौन डाटा किससे बड़ा है, कौन छोटा है, तो उसमें ग्राफी निरूपण जब हम करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें आराम से देखा जा सकता है। और सरलता की दृष्टि से एक ही दृष्टि में आंकड़ों का ज्ञान हो जाता है। आंकड़ों के संबंध में जो विभिन्न सूचनाएं, अलग अलग सूचनाएं हैं, उन सब की जानकारी आराम से भी प्राप्त हो जाती है। और इससे एक लाभ और होता है, समय और श्रम की भी बचत होती है। कम समय में, कम पैसे में भी इसको किया जा सकता है, सरलता से इसको देखा जा सकता है। और पूर्व कथन, इसको देख करके पूर्व में कैसा रहा होगा उसके बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है, और भविष्य में कैसा होगा उसके बारे में भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। आंतरिक गणना एवं बाह्य गणना, आंतरिक गणना और बाह्य गणना में भी उपयोगी है ये चीज, और फायदेमंद है ये। आंतरिक गणना और बाह्य गणना में बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए हमने जैसे बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये तो फायदे होते हैं, जो हमने बताया 8-9 फायदे होते हैं, इसके गुण हैं। अब इसको हमने बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, सभी लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़े होंगे। तो उसमें देखें कि जो हमारा होता है उसको हम चार वर्गों में बांट रहे हैं, चार ब्लॉक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको हम एक यक्ष अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष यक्ष अक्ष को हम जब समकोण पर एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाते हैं तो जहाँ पे काटता है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इसको हम जीरो से ओ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से चार भाग में, ऊपर दायां बायां, नीचे दायां और बायां। तो ऊपर का जो भाग होगा, अगर देखें, देख पा रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से उसको हम बांट लेंगे। और बांटने के पश्चात ये चार वर्ग बन गए, इधर ये दाएं तरफ प्रथम चतुर्थांश, बाएं तरफ द्वितीय चतुर्थांश, और नीचे बाएं तरफ तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से हम चार भागों में बांट लेते हैं। और चार भागों में बांट करके आप देख, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको चार भागों में बांट करके इसको नाम दे देते हैं। इसमें चार हो गया, बायां दायां और नीचे दो हो गए। तो दोनों में, प्रथम में क्या होगा, भुज और कोट दोनों के प्लस प्लस हो जाएंगे। और चूंकि इसमें एक्स अक्ष धनात्मक की ओर जा रहा है और वाई अक्ष भी धनात्मक की ओर जा रहा है, इसलिए दोनों इसमें प्लस और प्लस हो जाएंगे। दोनों बिंदु इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस और प्लस। फिर बाएं भाग में, ऊपर बाएं भाग में द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगी। इसमें एक्स अक्ष तो दाई ओर जा रहा है, एक्स अक्ष क्या हो रहा है, दाई ओर जा रहा है, इसलिए उसका भुज कितने हो जाएगा, ऋण में, माइनस में हो जाएगा। और वाई अक्ष कितना, पॉजिटिव, प्लस की ओर जा रहा है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से इसका जो बिंदु होगा वो क्या होगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जो बाएं भाग में उतरती है चतुर्थांश हो जाएगा, उसमें चूंकि दोनों निगेटिव जा रहे हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों निगेटिव जा रहे हैं, तो दोनों निगेटिव जा रहे हैं, इसलिए इसके दोनों भुज और कोट क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। और फिर दाएं भाग में हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें आप देखिए, एक्स पॉजिटिव की ओर जा रहा है, वाई निगेटिव की ओर जा रहा है, इसलिए इसका जो भुज और कोटी होगा वो क्या होगा, माइनस, प्लस और माइनस। सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष को लिखा जाता है, इसलिए एक्स अक्ष में जो होगा उसको माइनस के साथ देंगे, वाई एक्सिस पर जो होगा उसको प्लस नाम दे देंगे। तो जो चौथा चतुर्थांश होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस और माइनस, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे हमने विभाजित किया, इसके लिए हमने नोट्स भेज दिया है लिखित में, तो आप देख करके इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए, जो आपके यहाँ है इसका ज्यादातर प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रदत्त जो होते हैं उनको माइनस में
नहीं देखा जाता है, तो और सारे को भूल करके आपको सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ होगा। जितने भी आपके चार्ट दिए गए हैं, जितने भी आपके सिलेबस में हैं, वो सब हमेशा ही फर्स्ट चतुर्थांश में होंगे, तो इसलिए माइनस का कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए चारों को बता दें। तो रेखा चित्र को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको विभिन्न विधियों से उसको समझने के पूर्व इसमें जो प्रयुक्त हो रहे हैं या प्रयुक्त होने वाले जो गणितीय शब्दावलियां हैं, सिद्धांत हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसको समझ लेना ही बहुत ही आवश्यक है। और सभी प्रकार के रेखा चित्रों को प्रायः अगर हम देखें तो दो संदर्भ में या दो संदर्भ रेखाओं जिन्हें निर्देशांक अक्ष या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेशंस कहते हैं का प्रयोग किया जाता है, और इनका प्रयोग करके इन एक्सिस का प्रयोग करके हम उसको एक संदर्भ क्षैतिज रेखा होती है जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जिसे एक्स अक्ष से हम निरूपित करते हैं और अथवा इसको भुजांश से कहते हैं, और दूसरी संदर्भ रेखा जो होती है अनुलंब होती है जिसे वाई अक्ष संदर्भित करते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको वर्टिकल भी कहते हैं। इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दो होते हैं, ये दोनों रेखाएं एक अक्ष पर ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90° के कोण पर काटती हैं। और इस तरीके से जिस बिंदु पर ये रेखाएं काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ऐसे उद्गम बिंदु भी कहते हैं अथवा इसे मूल बिंदु भी कहते हैं, तथा इसे एक ओ अक्षर से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओ अक्षर से इसको इंगित करते हैं। यह बिंदु दोनों अक्षों को इंगित करता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, चूंकि इसमें दोनों के सम्मिलन बिंदु को ही हम उसे इंगित करते हैं। यह बिंदु दोनों अक्षों के संदर्भ में पॉइंट ऑफ रेफरेंस का कार्य करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रेफरेंस में कार्य करता है। भुजांश एक्स अक्ष पर और इसको बिंदु ओ के दाईं ओर इसको राइट साइड में धनात्मक पॉजिटिव मान लेते हैं, जबकि बाईं ओर धनात्मक पॉजिटिव मान लेते हैं, जबकि बाईं ओर क्या मान लेते हैं, हम ऋणात्मक मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है वह पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या करते हैं वो कि दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा, वो कि बाईं तरफ आएंगे तो निगेटिव होता जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इस ये बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि कोटी वाई अक्ष पर बिंदु ओ को ऊपर की ओर धनात्मक मान लेते हैं तथा नीचे की ओर ऋणात्मक मान लेते हैं। इस तरीके से दोनों अक्ष अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, और इसे धरातल एक तरीके से कहते हैं, इसे प्लांट होता है, और इसके चार भाग हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कहलाते हैं। ऊपर के दाएं भाग को, ऊपर का जो दायां भाग है हमने जैसा बताया उसे क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, तथा इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ओ की तरफ दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ऊपर के बाएं भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ऊपर का जो बाएं भाग हो तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लेते हैं, एक्स अक्ष पे धनात्मक मान लेते हैं, और नीचे के बाएं भाग को हम तृतीय चतुर्थांश, जो नीचे का तीसरा भाग बाएं तरफ का भाग है उसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, तथा इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इसका दोनों मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो नीचे के दाएं भाग को चतुर्थांश और बाएं भाग को क्या कहेंगे, हम चतुर्थांश कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ये इसमें एक्स अक्ष धनात्मक होता है, वाई अक्ष ऋणात्मक होता है।
सुविधा के लिए एक शख्स को क्या मान लेते हैं। इस तरीके से ये चार भाग में बढ़ गए। अब सुविधा की दृष्टि से हम यक्ष अक्ष को यक्ष ओ और यक्ष डैश मान लेते हैं, ठीक है। भाई ओ के बाई तरफ यक्ष हो गया और दाएं बाई तरफ यक्ष डैश हो गया, दाएं तरफ यक्ष हो गया। ऐसे वाई अक्ष को हम सुविधा की दृष्टि से वाई ओ वाई यक्ष मान लेते हैं, इसमें ओ से ऊपर की ओर वाई और नीचे वाई डैश हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब समतल पर स्थित किसी भी बिंदु को, समतल पर स्थित किसी भी बिंदु को उसके यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष को उसकी दूरी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसके दूरी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और इन दूरियों को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, को ऑर्डिनेंस कहते हैं, को ऑर्डिनेंस कहते हैं। और किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, उसके दोनों निर्देशांकों को कोष्ठक में हम रंग कर उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें, उदाहरण की सहायता से इसको देख सकते हैं। कोष्ठक के प्रथम संख्या जो है, कोष्ठक के प्रथम संख्या को यक्ष निर्देशांक जो प्रथम यानी पहले लिखे जाएंगे उसको यक्ष अक्ष, और जो दूसरी संख्या है दूसरे निर्देशांक को वाई अक्ष से व्यक्त करते हैं। जैसे बिंदु अगर कोई ले ले चार और तीन, चार और तीन हमने बिंदु ले लिया, इसका अर्थ है कि यह बिंदु यक्ष अक्ष से चार, यक्ष अक्ष से चार इकाई की दूरी पर स्थित होगा और वाई अक्ष से तीन इकाई की दूरी पर स्थित होगा। तो यक्ष अक्ष से चार इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से तीन इकाई की दूरी पर ये दोनों के कटान बिंदु जो होंगे वह इस बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे, इस बिंदु को निर्देशित करेंगे, इंगित करेंगे, क्योंकि दोनों निर्देशांक धनात्मक है। तो हमने बताया जब दोनों निर्देशांक यानी एक्स और वाई दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो किस चतुर्थांश में होता है, तो उत्तर आएगा प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इसलिए ये किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में, ऊपर दाएं तरफ स्थित होगा बिंदु, और एक्स अक्ष पे चार इकाई, चार यूनिट्स, और वाई अक्ष पे थ्री यूनिट्स के जो कटान बिंदु होंगे उसको रिप्रेजेंट करें। इस तरीके से यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम कोई बिंदु ले लेंगे जैसे -3,5, तो -3,5 क्या हो जाएगा, अब चूंकि हमने पहले बताया कि पहला जो लिखा होता है यक्ष अक्ष होता है और बाद में वाला वाई अक्ष होता है, तो -3 पहले लिखा हुआ था, कितना होगा यक्ष अक्ष। अब हम देखें कि यक्ष अक्ष माइनस की तरफ किधर जाता है, ओ की बाई ओर जाता है, तो उसे बाई ओर तीन इकाई ले लेंगे, 2-3 हो जाएगा। और वाई अक्ष पे अब चूंकि वाई धनात्मक है, तो धनात्मक है तो उसे हम किधर लेंगे, उसको ऊपर की तरफ लेंगे, तो ऊपर की ओर इसकी 5 इकाई नाप लेते हैं। इस तरीके से जो कटान बिंदु होगा उसको रिप्रेजेंट करें। तो कहाँ होगा ये, अब जैसा कि हमने बताया था कि अगर बाई तरफ यानी यक्ष का मान नेगेटिव हो, वाई का मान पॉजिटिव है, तो किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो -3,5 जो पॉइंट है ये कहाँ पे स्थित होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इस तरीके से स्पष्ट है कि बिंदु अगर हम कोई ऐसे दूसरा ले लें जैसे -4,-3 ले लें, तो -4 और -3, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, तो यक्ष अक्ष भी निगेटिव, वाई अक्ष भी निगेटिव है, तो यक्ष और वाई दोनों निगेटिव होता है, तो कहाँ किस चतुर्थांश में पड़ता है, देख लें, ओके बाई और ओके नीचे, तो ये पड़ेगा आपका तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। जबकि एक बिंदु और हम ले लेते हैं 4,-4, अब इसमें क्या है, 4 यानी एक्स अक्ष पे तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्स पे निगेटिव है, तो उसे दाई तरफ जाएगा एक्स पे और उसे नीचे की ओर होगा वाई एक्स पे, अरे हाँ वाई एक्स पे। इस तरीके से यह बिंदु किसमें स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई सबको। अब जो आवृत्ति है वो हमारी दंडाकृत, जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा है आपके यहाँ बहुभुज प्रकार के वक्र को रेखा चित्र की रचना करते समय, इनकी रेखा चित्र या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय यक्ष अक्ष और वाई अक्ष की तुलना में कुछ अधिक बड़ा रखते हैं, यक्ष अक्ष को वाई अक्ष की तुलना में क्या रखते हैं, कुछ बड़ा रखते हैं, कुछ लांग रखते हैं, इसलिए इसको उसकी तुलना में बड़ा रखते हैं कि जिससे
क्या होगा, वह अच्छा दिखे, आकर्षक दिखे, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, जिससे कि रेखा चित्र की ऊंचाई की तुलना में लंबाई अधिक हो, और इससे रेखा चित्र क्या होगा, थोड़ा सा सरल भी देखने में लगेगा और इसका सौंदर्य बहुत भी अच्छा होगा। अब प्रायः लंबाई तथा चौड़ाई को हम 3:2 के अनुपात में रखते हैं, 3:2 की अनुपात में रखते हैं, अतः इसको 4:3 कर दीजिए, यानी एक पॉइंट का अंतर होता है। जैसे यदि एक्स अक्ष पे लंबाई हम 12 सेंटीमीटर रखते हैं, तो वाई अक्ष पे इसको हम कितना रखेंगे, वाई अक्ष पे इसको हम 8 रखेंगे, ठीक है। अगर वाई अक्ष पे हम 9 रखते हैं, तो एक्स अक्ष कितना रखेंगे, 12 रखेंगे। तो इसको इस तरीके से रखने का प्रयास हम करते हैं, यानी एक्स अक्ष थोड़ा ज्यादा लंबा होगा और ऊंचाई उसकी थोड़ा सा कम होगी उससे। तो इसलिए आयताकार ग्राफ पेपर पर जो ग्राफ होगा, तो इस तरीके से जो ग्राफ होगा कैसा होगा, आयताकार होगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है आयताकार में, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरीके से जो हमारा रेखा चित्र बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ये आयत के रूप में होगा। तो इस तरीके से आयताकार ग्राफ पेपर ले लेते हैं, और आयताकार ग्राफ पेपर पर रेखा चित्र बनाते समय लंबाई को एक्स अक्ष पे तथा ऊंचाई को वाई अक्ष पे, लंबाई को एक्स अक्ष पे और ऊंचाई को वाई अक्ष पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, और जिससे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर उचित अनुपात प्राप्त हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे क्या होगा, उसका अनुपात अच्छा प्राप्त हो। रेखा चित्र बनाते समय, अब हम रेखा चित्र बनाते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि वाई अक्ष का अनुपात और एक्स अक्ष का अनुपात क्या हो, थोड़ा सा अंतर हो। अब रेखा चित्र बनाते समय प्राप्तांकों को एक्स अक्ष पर, जो प्राप्तांक है हमारे, उसको एक्स अक्ष पे रखते हैं, और प्राप्तांक यानी जो भी डाटा है उनको आप एक्स अक्ष पे रखेंगे, तथा आवृत्तियों को वाई अक्ष पर दर्शाने की परंपरा है। आवृत्तियों को किधर रखेंगे, वाई अक्ष पे, अक्सर यही होता है जब देखेंगे, तो जो हमारी आवृत्तियां हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं, उसको वाई अक्ष पे रखेंगे, और प्राप्तांकों को कहाँ रखेंगे, हम एक्स अक्ष पे रखेंगे। तो इस तरीके से विभिन्न जो समूह हैं, विभिन्न जो वर्ग हैं आपके अंदर ग्रुप है, उसको हम मध्यमानों को, उसका हम क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो उसके मध्यमानों को हिस्टोग्राम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इस वाई अक्ष पे हम मध्यमानों को लेते हैं, और एक्स अक्ष पे समूहों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न समय अंतरालों पर, जो अलग अलग समय अंतराल हैं, जो अलग अलग समय का अंतर है, उन अंतर को किसी चर के रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते समय यह देखा जाता है कि वाई अक्ष पे चर के मान को तथा एक्स अक्ष पे समय अंतरालों को दर्शाया जा सकता है, एक्स अक्ष पे समय अंतरालों को दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, जो हमारे पास डाटाज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रायः कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, तो उसमें प्रथम चतुर्थांश का ही उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। हमने अभी शुरू में पूर्व में बताया था कि प्रथम चतुर्थांश का ही प्रयोग ज़्यादातर आपके यहाँ होता है, तो क्योंकि प्रायः आंकड़े जो होते हैं वो ऋणात्मक मान में नहीं होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए उसको प्रथम चतुर्थांश में ही रखते हैं। और एक्स अक्ष के लिए प्रायः ऋणात्मक मान होने पर प्रथम चतुर्थांश वह चतुर्थ चतुर्थांश का मान, वाई के लिए ऋणात्मक मान होने पर प्रथम, और चतुर्थ चतुर्थांश तथा एक्स और वाई एक्स दोनों के ऋणात्मक मान होने पर चारों के चतुर्थांश मान का प्रयोग होता है। तो रेखा चित्रों में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को कम करने के लिए, वो खाली स्थान न दिखे, हम एक कृत्रिम आधार रेखा बना लेते हैं, अपने अनुसार से उसको आधार बना लेते हैं, तथा इसको हम उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब लंब रेखा का प्रयोग,
लंब रेखा है, तो लंब रेखा का प्रयोग, लंब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिमाधार रेखा, कृत्रिमाधार रेखा पर यक्ष अक्ष तथा कृत्रिम लंब रेखा पर यक्ष अक्ष के उस भाग को व्यक्त नहीं करते हैं, उस भाग को व्यक्त नहीं करते हैं जो कि अनावश्यक जगह घेरता है, इसलिए उसको व्यक्त हम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यक्ष अक्ष के जो हटाए गए भाग हैं, यक्ष अक्ष के जो हटाए गए भाग हैं उसको हम डबल उससे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तथा वाई अक्ष के हटाए गए भाग को हम सेमी कोलन या समानांतर चिन्ह से दर्शाते हैं। ये चिन्ह यह बताते हैं कि यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष का एक पैमाना शून्य से प्रारंभ कर लेते हैं। शून्य से प्रारंभ नहीं हो रहा है तो ऐसे स्थिति में ऐसे ग्राफों को बीज ग्राफ कहते हैं, या इसे हम जी बीज ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं। आंकड़ों को रेखा चित्रों की सहायता से प्रदर्शित करने की कुछ प्रमुख विधियां, जो आंकड़े हैं आंकड़ों को रेखा चित्र की सहायता से प्रदर्शित करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं, जिसे बार डायग्राम, फाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव, ये प्रमुख रूप से हैं आपके यहाँ सिलेबस में, तो जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि कैसे हम हिस्टोग्राम का निर्माण करेंगे, कैसे हम ओगिव का निर्माण करेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव कर्व का निर्माण करेंगे, कैसे हम प्रतिशत संजयी आवृत्ति वक्र का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से हम विभिन्न वक्रों को उसमें देख सकते हैं। जैसे हम मान लें हिस्टोग्राम दंडाकृति है, सबसे पहला क्या आपका हिस्टोग्राम दंडाकृति, इसको दंडाकृति बनाते समय हम क्या करते हैं, दंडाकृति बनाते समय हम प्राप्तांक वर्गों को क्षैतिज रेखा पर, जो प्राप्तांक वर्ग हैं उनको हम क्षैतिज रेखा पर तथा आवृत्तियों को काम कर लेंगे, आवृत्तियों को वाई अक्ष पे, आवृत्तियों कहाँ करेंगे, आवृत्तियों को लंबवत रेखा है जिसको वाई अक्ष कहते हैं, इस वाई अक्ष पे इसको हम लिखा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पर दो लंबवत रेखाएं इस प्रकार से खींचते हैं कि लंब रेखा वर्टिकल लाइन या वाई अक्ष आधार रेखा पर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन यक्ष अक्ष की बाईं ओर काटे इसको। अब जिस जगह पर दोनों रेखाएं काटती हैं, जिस जगह पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम ओ संकेताक्षर से, ओ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये पैमाना बना लेते हैं कि लंब रेखा वाई अक्ष पे कितने खानों या कितने दूरी से एक आवृत्त को व्यक्त करेंगे, क्योंकि वाई अक्ष पे आवृत्तियों फ्रिक्वेंसी को लेते हैं, वाई अक्ष पे हम कितनी दूरी को एक फ्रिक्वेंसी मानेंगे ये देख लेते हैं। फिर उसके पश्चात इसी प्रकार से आधार रेखा यक्ष अक्ष जो है, यक्ष अक्ष जो है इसके लिए पैमाना बना लेते हैं कि लंब रेखा यक्ष अक्ष पे कितने खानों या कितनी दूरी को एक प्राप्तांक वर्ग से व्यक्त कर सकते हैं उसे के द्वारा। तो पैमाना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चित्र की ऊंचाई व चौड़ाई में जो लगभग अनुपात है वो 2:3 या 3:4 का अनुपात ही रहे उसमें। तो इस तरीके से इससे जो आकृति क्या होगी हमारी, जो आकृति होगी वो क्या होगी, अधिक आकर्षक लगेगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो आधार रेखा तथा लंब रेखा के लिए पैमानों, आधार रेखा और लंब रेखा के लिए पैमानों का निर्धारण करने के उपरांत हम पैमाना का निर्धारण कर लेते हैं, पैमाना बना लेते हैं। तो इस पैमाना का निर्धारण करने के उपरांत जो माने गए पैमाने हैं, इस माने गए पैमाने के अनुरूप आधार रेखा पर समान दूरी पर प्राप्तांक वर्ग लिख लेते हैं तथा लंब रेखा पर समान दूरी पर हम फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, आवृत्तियां लिख देते हैं। जिस तरीके से पैमाना हमारा
हो गया और पैमाना मानने के पश्चात हम उसको क्या करते हैं, देखते जाते हैं। जैसे कि आधार रेखा पर लिखे गए वर्गों, आधार रेखा पर लिखे गए वर्गों की दूरी पर उनकी आवृत्तियों के अनुरूप, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके अनुरूप हम क्या कर लेते हैं, एक दंड आयत बना लेते हैं, एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अब आकृति जो है हमारी, उसमें जो खाली स्थान बच रहा है, उस खाली स्थान को कम करने के लिए, उस खाली स्थान को कम करने के लिए कृत्रिम आधार रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम आधार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत आवृत्ति वितरण को, जो सारणी अभी हम जैसा कि नोट्स में भेज चुके होंगे या आगे भेज देंगे, तो आवृत्त वितरण को दंडाकृति रूप में चित्र एक में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे दिखा देंगे, मान लीजिए कि आपके पास ये सारणी हमने ले लिया है ना, दिख रही होगी ये सारणी हमने ले लिया। अब इसके आधार पे, इस सारणी के आधार पे हम क्या करेंगे, इस सारणी के आधार पे हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, हिस्टोग्राम बना लेंगे। अब इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा और कृत्रिम आधार रेखाओं को, कृत्रिम स्थान को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे जो दी गई सारणी है, उस नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत आवृत्ति वितरण को, प्रस्तुत आवृत्ति वितरण को दंडाकृत के रूप में चित्र में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया या नोट्स में हमने भेजा है, उसमें वर्ग हमने बना लिया। नीचे से हम कैसे श्रेणी लेते हैं, इंक्लूसिव श्रेणी लेते हैं, समावेशी श्रेणी लेते हैं। तो समावेशी श्रेणी में एक डाटा हमने ले लिया, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 34 और 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59। इसके मध्य बिंदु निकालने, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने क्या बताया, मध्य बिंदु निकालने के लिए दो चीज़ें होती, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं और जितना मान आता है उसको हम दो से भाग कर देते हैं, तो जो मान आएगा वही उस वर्ग का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। समझ आया चीज़। इस तरीके से हम हर वर्ग जो समूह है उसका हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। देखिए हमने निकाल के बताया कैसे, हर जो भी वर्ग है अलग अलग, उस वर्ग को लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके दो से भाग दे देंगे तो हर का मध्य बिंदु आ जाएगा। ये काम आपको करना है। तो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी सबकी दी हुई होती हैं, उन फ्रिक्वेंसी और मध्य बिंदुओं को हम, जैसा कि हमने बताया कि प्राप्त अंकों को हम कहाँ लिखते हैं, यक्स अक्ष पे, और फ्रिक्वेंसीज को कहाँ लिखते हैं, वाई अक्ष पे। इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसीज को यक्स अक्ष पे और आवृत्तियों को वाई अक्ष पे लिख लेते हैं और हमारा क्या बन जाएगा, उसके सारे मान को लिख लेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है, प्राप्तांक जो होगा हमारा इसमें लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, निम्न वास्तविक सीमा है ना, रियल लोअर लिमिट ही लेंगे, रियल लोअर लिमिट लेंगे। जैसे कि हमने अभी वर्ग आपको दिखाया, तो हमने पहला भी क्लास में बताया, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि रियल लोअर लिमिट में क्या करेंगे, जितना भी आपकी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे तो सबका घटता जाएगा। जैसे आपका 20 से 24 है तो 20 से इसे निम्न सीमा कितनी है, 20 है, 20 में 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5, 19.5, 24.5, 29.5 और 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 और 54.5। इस तरीके से आपका पूरा निम्न वास्तविक सीमा बन जाएगी और उसका भी आगे करके 59.5 हो जाएगा। इस तरीके से सबकी निम्न वास्तविक सीमा हम ले लेते हैं। अब निम्न वास्तविक सीमा और फिर उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम पैमाने के आधार पर ले लेंगे।
अब इसमें सबको नहीं लिखा जा सकता, जैसे 2 का अंतर रख ले, 3 का अंतर रख ले, 4 का अंतर रख ले। तो हमने देखिए बनाया उसमें 2 का अंतर रखा है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने 2 का अंतर रखा है। 2 का अंतर रख करके कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको हम प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि और अच्छा देखने में आपको लगे। तो ये दंडाकृति आरेखीय निरूपण हम इस तरीके से कर लेंगे चित्र की सहायता से, है ना। जैसे 19.5 है, अब 19.5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है पहले वाले वक्र के सामने, आप देखें 19.5, 19.5 के जो सामने फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें 1 है, 1 दिख रही है ना, देखो 19.5 की 1 है फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्स पे 1 और एक्स अक्ष पे 19.5, इसके कटान बिंदु को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते, ये वो हो गया। फिर इसी तरीके से सबको करते जाते हैं और जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए हमें आधार रेखा को मिलाते हुए सबका एक लाइन से उनको हम प्रेजेंट कर देंगे, और सबको एक लाइन से प्रेजेंट करने के उपरांत हमारा जो होगा हिस्टोग्राम बन जाएगा। ऐसे हम दंडाकृति आरेखीय निरूपण भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा दंडाकृति आरेखीय निरूपण हो जाएगा और यह हिस्टोग्राम हमारा बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा, देखिए हमने बनाया आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही आपका हिस्टोग्राम बनेगा, देखने में ऐसे ही लगेगा। ये देखिए दंड बनाए गए हैं, दंड जैसा कि बनाए गए हैं, हर दंड को पहले दंड बना लीजिए, फिर इसको और आकर्षित लगने के लिए इसको आधार रेखाओं से मिलाते हुए ये आप रेखाएं खींच देंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, और थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। इसी हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, हम दंडाकृति बोलते हैं। चलिए अब दूसरा है आपके सिलेबस में, दूसरा भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है दूसरा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में आवृत्ति बहुभुज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवृत्ति बहुभुज। अब आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए, आवृत्ति बहुभुज निर्मित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आवृत वितरण दिया गया उस आवृत वितरण में सबसे नीचे और सबसे ऊपर एक एक वर्ग और जोड़ लेते हैं, सबसे नीचे और सबसे ऊपर एक एक वर्ग हम इसमें और जोड़ लेते हैं, तथा उनकी आवृत्ति को हम शून्य मान लेते हैं, उनकी आवृत्ति क्या मान लेंगे, शून्य मान लेते हैं। और इस तरीके से जब उनकी आवृत्ति शून्य मान लेंगे, तो शून्य मानने के पश्चात हम विभिन्न वर्गों की, विभिन्न जो वर्ग हैं उन विभिन्न वर्गों की कुल आवृत्तियों को, जो उनकी टोटल आवृत्तियाँ हैं, उन आवृत्तियों को उन वर्गों के मध्य बिंदुओं से, उन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित मान पर बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, केंद्रित मान पर बिंदुओं के द्वारा क्या कर लेते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं, तथा फिर इन सब बिंदुओं को, फिर इन जो सारे बिंदु हैं, इन सारे बिंदुओं को मिला देते हैं और प्रदर्शित कर लेते हैं, तथा फिर इन सब बिंदुओं के एक क्रम में सरल रेखाओं के द्वारा हम मिला देते हैं, और इस प्रकार से बहुभुज के आकार का जो चित्र प्राप्त होता है, एक फ्रीक्वेंसी के आकार का जो चित्र प्राप्त होगा, इसे हम आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। ऊपर नीचे इसलिए मान लेते हैं जिससे हमारा जो बहुभुज हो धरातल पे से शुरू हो और जाकर के धरातल पे, इसलिए हम उसको एक एक बहुभुज उसमें एक एक आवृत्त वितरण और जोड़ लेते हैं। जैसा कि देखेंगे दिया गया है उसी के आधार पर, अगर इंक्लूसिव श्रेणी है उसके आधार पे हम आगे और पीछे के जोड़ लेंगे, इंक्लूसिव श्रेणी है उसके आधार पे आगे पीछे जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम जैसा आपको श्रेणी दी गई है, जैसा आपको सीरीज दी गई है, उस सीरीज के अनुरूप ही आप ऊपर नीचे एक एक वर्ग जोड़ लेंगे और उसके सामने फ्रिक्वेंसी वाले कालम में उसका फ्रिक्वेंसी का मान कितना लिख देंगे, 0 लिख। इस तरीके से आपको करने के पश्चात हम एक बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे सारणी है, सारणी में आपको आंकड़ों के द्वारा आवृत बहुभुज को चित्र 2 में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हमने देखो एक उदाहरण लिया, आपको एक उदाहरण के माध्यम से आप कैसे फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनता है इसको हम समझाते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमने एक सीरीज ले लिया, ऐसी सीरीज लेंगे हम, इंक्लूसिव श्रेणी लेंगे, समावेशी श्रेणी, 15 से 19, 20 से 24, है ना, 25 से
29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, इस तरीके से लेते हुए हम 60 से 64 तक के वर्ग ले लेंगे और सारे वर्ग का मध्यबिंदु निकाल लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब हम क्या करेंगे, आपका जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का जो सरल तरीका है वो कैसा है। सबसे पहले हम मध्य बिंदुओं को कहाँ लेंगे, प्राप्तांक को कहाँ लेंगे, यक्ष अक्ष पे लेंगे, है ना, कहाँ लेंगे, यक्ष अक्ष पे लेंगे। तो सबका हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया था कैसे करेंगे, जो लोअर लिमिट है हाइएस्ट लिमिट है उसके दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे देंगे तो उस वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। इस तरीके से सारे का वर्ग अंतराल मिड पॉइंट निकाल करके हम उसको यक्ष अक्ष पे रखते जाते हैं और वाई अक्ष पे उसकी फ्रिक्वेंसी को रखते हैं, उसी को आप को रखते हैं। एक पैमाना मान लेंगे, पैमाना कोई भी मान सकते हैं आप, यक्ष अक्ष पे इतने खाने बराबर इतनी दूरी बराबर इतने इकाई, वाई अक्ष पे इतने खाने बराबर इतनी दूरी बराबर इतनी इकाई, इस तरीके से हम मान लेते हैं। और इस बिंदुओं को मिलाते हुए यक्ष अक्ष पे जो बिंदु है, वाई अक्ष पे जो बिंदु है, उनके कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हर बिंदु लगाते जाएंगे। इस तरीके से पूरे वर्ग का जब बिंदु लग जाएगा तो उनको आप एक रेखाओं से मिलाते हुए, सारे बिंदुओं को रेखाओं से मिलाते हुए रेखा चित्र खींच देंगे और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फिर उसी पॉलीगन बन जाएगा या आवृत्ति बहुभुज जिसे कहते हैं। ये आप कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि हमने दिखाया है, कुछ देखने में ऐसे ही फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आपको बन करके तैयार होगा। इस तरीके से आज हमने अपनी वीडियो में क्या क्या बताया, किस किस बातों पर चर्चा हुई आपके साथ, बहुत सारी बातें हमने इसमें की। सबसे पहले हमने किया कि कैसे जो ग्रुप डाटाज होते हैं, ग्रुप डाटाज को कैसे ग्रुप डाटा बनाते हैं और ग्रुप डाटा में बना करके उसको हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे हैं, हिस्टोग्राम होगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होगा, क्वालिटी फ्रिक्वेंसी कर्व होगा, ओडी हो गया, और इस तरीके से जो बहुत सारे आपके वक्र हैं वो हम अलग अलग तरीके से बन, तो एक एक करके हम उसको देख रहे हैं। जैसे हमने हिस्टोग्राम में बताया, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हर वर्ग की निम्न वास्तविक सीमा को एक्स अक्ष पे लिखेंगे और उसको आप बिल्कुल वाई अक्ष पे लिखेंगे, इस तरीके से दोनों कटान बिंदु बनाते हुए एक दंड रेखा खींच देंगे। दंड रेखा जब सब पे खींच जाएगा तो उसको और आकर्षित और सरल बनाने के लिए आधार रेखा के पैरल सबको मिलाते हुए आयत बना देंगे। इस तरीके से इसको आयताकृति दंडाकृति कहते हैं, आयताकृति भी कहते हैं क्योंकि आयत के आकार का बनता है, इसलिए आयताकृति बेस को हम बोलते हैं, आयताकृति बेस को कहते हैं। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में हमने बताया कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में सबसे पहले ऊपर नीचे एक एक आवृत्ति जोड़ लेते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो लिख देते हैं और इस तरीके से उसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु जो है उसका प्राप्तांक को यक्ष अक्ष पे लेते हैं, आवृत्तियों को वाई अक्ष पे लेते हैं, यक्ष अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष के जो बिंदु होते हैं उनके कटान बिंदु मिलाते हुए रेखाएँ खींचते जाते हैं। रेखाएँ इस तरीके से जबकि सबको खींच जाती हैं उनको सबको मिलाते हुए रेखाओं को आप एक रेखा खींच देंगे और इस तरीके से आपका आवृत्ति बहुभुज लंबित हो जाएगा और इस तरीके से आवृत्ति बहुभुज या फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आपके सामने। इस तरीके से हमने आज अपने वीडियो पर सारी बातों पर चर्चा की, कैसे आप डाटा जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत व्यवस्थित होते हैं, उन डाटा के आधार पर जैसे आपके सामने होते हैं उनमें उनसे सूचनाएं प्राप्त करना थोड़ा बड़ा कठिन लगता है, समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, खर्च भी ज़्यादा लगता है, तो इसको हम समय और खर्च को बचत करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करके सबसे पहले उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए जैसे हमने बताया, सबसे पहले जो सबसे बड़े डाटा होते हैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए उसको इंडिंग और वही बोलते हैं, और वही मतलब घटते क्रम में, और वही मतलब बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा फिर उससे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से करते हुए सबसे बड़ा होता है। इसके बाद जब ये कर लेते हैं उसकी रेंज निकाल लेते हैं हम। रेंज निकालने के लिए आपको बताया
हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस वन, इसकी सहायता से हम रेंज निकाल लेते हैं। ये रेंज आ जाएगा तो आप उसके आधार पर वर्ग विभाजित कर लेंगे उसको। जो वर्ग होंगे वह न बहुत बड़े होंगे न बहुत छोटे होंगे, उसको सरल आसान कैलकुलेशन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए हम बीच का रास्ता अपनाते हैं। वैसे कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि उसको हम अच्छा लगे आकर्षक लगे इसलिए बीच का ही रास्ता अपनाते हैं, जिसमें अपना भी बहुत ज़्यादा बड़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा छोटा। इस तरीके से उन वर्गों को बांट लेते हैं, बांट करके उस वर्ग अंतराल में कितनी फ्रिक्वेंसी जाती हैं कितने वो आ रहे हैं उसको हम रखते जाते हैं। और पूरा इस तरीके से जब रख जाता है हमारा अपडेट हो जाता है तो हम उसको ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप्ड डाटा हो गया, सामूहिक डाटा हो गया, वर्गीकृत डाटा। तो इस तरीके से कैसे हम ग्रुप डाटा को वर्गीकृत डाटा में परिवर्तित कर लें, ये सारी बातें आपको बताया। तो ठीक है, आज का वीडियो हम अपना यही तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे बातें होंगी, कैसे अभी जो शेष कमेटी पर कैसे कर रहे उम्मीद है, इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज तक अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे फिर हम बातें करेंगे इसके आगे। इतनी देर तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें आपको इस वीडियो में कमी लगी हो, जो ऐसा लगा हो कि इसमें सुधार किया जा सकता है, उसको भी आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। जो आपको अच्छा ना लगा हो उसको भी बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो उसको भी बता सकते हैं आप। जो जैसा रियल सिचुएशन है उसी के आधार पर इसका थोड़ा सा फीडबैक भी देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी आपके लिए। अगर अच्छा कहेंगे तो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश किया जाएगा। कुछ इसमें कमियाँ होंगी, उन कमियों पर भी आप इंगित करेंगे तो आगे आने वाले समय में उन कमियों को दूर करने की भी कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना अध्ययन मनन करते रहिए, इससे अपडेट होते रह जाए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जोड़ने के लिए। धन्यवाद।